सो नमस्कार दोस्तों, बाइक वाला सुब्रह में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका TVS XL मोपेड हैवी ड्यूटी BS3 का वर्जन है, या आपका BS4 का अगर कोई वर्जन लिए TVS XL 100 हैवी ड्यूटी का, तो इसको जो है वो सेकेंड हैंड में ख़रीदना आपके लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सेकेंड हैंड का इसमें अगर सोच रहे हैं, या आपका कोई भी आपका गाड़ी अगर सेकेंड हैंड में ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो मैं क्यों ये गाड़ी को आपको रिकमेंड करता हूँ, इसके बारे में आज आपको टोटल जानकारी देंगे। तो इससे पहले भी मैंने आपका सेकेंड हैंड रिलेटेड जो गाड़ी है, इस गाड़ी को आपका कैसा ख़रीदना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होगा और आपका कितना पैसा, क्या कुछ प्राइस होगी, इसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो दिए हैं। मैं आपका प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और मेरा आपका जो आई बटन में है उसमें भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उसमें जाकर बाकी सब वीडियो को भी देखिए और उसके बारे में जान कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते, आज का जो वीडियो है वो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको जो गाड़ी है मेरा TVS XL हैवी ड्यूटी BS3, इसको मैं आपका सेकंड हैंड के लिए इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये जो गाड़ी है काफ़ी आपका दमदार है, और जो जो बाकी गाड़ियों के हिसाब से है, ये इसमें आपका पावर जो प्रोड्यूसिंग की क्षमता है ये आपका काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको कुछ आपको जो है बाकी चीज़ों से जो नॉर्मल चीज़ें हैं इसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। मानिए आप अगर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पर बता रहा हूँ, वो तो बैटरी से आपका बेसिकली चलता है। और ये वाला जो गाड़ी है ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो आपका TVS XL हैवी ड्यूटी है, इसमें आपका दो अलग अलग मतलब सीट आपका इसमें मौजूद होता है, और पीछे वाला जो सीट है इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये जो पीछे वाला आपका सीट होता है इसको आप यहाँ से आपका जो चाबी है चाबी को देकर खोल कर इस सीट को आप ओपन कर सकता है। इसके में आपका यही फैसिलिटी है कि आपका मान लीजिए अगर पिलियन राइडर को ना बिठा कर इसमें अगर कोई वेट कैरी करते हैं, और इस वेट को कैरी करके आप अगर दूर राइड भी करते हैं, तो इस गाड़ी का इंजन का जो पावर प्रोड्यूसिंग की क्षमता है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गाड़ी जो है ये आपका लोड कैरी करने में काफ़ी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि बाकी अगर जो जो अभी आपका TVS XL का मॉडल निकला है उसके हिसाब से इसका जो वेट कैरिंग का जो आपका क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मल गाड़ियों में अभी आपका देखिएगा 130 तक आपका होता है, जो कि आपका जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाला है, पर इस गाड़ी में जो आपका वेट कैरी करने का है तो तकरीबन 260 से ऊपर का आपका होगा, 80 तक आपका होगा। यानी इससे पहले भी एक आपको वीडियो में बताया था उसके बारे में, तो एक बड़ा गाड़ी इसमें आपका एक पावर जो प्रोड्यूस है उसका क्षमता भी है। बशर्ते आपको जो चीज़ें हैं आपको मेंटेन करके देखना होगा कि गाड़ी में कैसा क्या कुछ पेट्रोल ऑयल वगैरह है, वो सब आपको ठीक टाइप से मेरा वीडियो को देखकर भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब अगर आपको ठीक रह सके, गाड़ी को आपको ओके रखे, तो गाड़ी आपको इस हिसाब से काफ़ी दमदार आपको परफॉर्मेंस देगा, और गाड़ी अच्छा खासा आपको पीछे लोड कैरी आप कर पाएंगे। दूसरा बात है, एक गाड़ी में सबसे मुझे जो खास लगता है कि मैं अगर इसमें दूर राइड भी चलाऊं, जिसमें आपका ऑयल का जो बात है, मतलब जो एक किफ़ायती जगह में अगर मैं मुझे यात्रा करना है, मान लीजिए मुझे तकरीबन 150 किलोमीटर जाना है और अप डाउन मुझे 300 किलोमीटर करना है, और मैं तकरीबन यहाँ पर अगर आपका पेट्रोल डलवाता हूँ तकरीबन 500 से ऊपर का, 500 या 700 से, तो आराम से मैं आ जा पाऊँगा और मेरा कुछ हद तक आपका पेट्रोल बच भी जाएगा। तो ये बात है, क्योंकि मैं इस गाड़ी में काफ़ी दूर दूर तक राइड किया हूँ, तकरीबन मेरा 10 साल हो चुका है इस गाड़ी में एक्सपीरियंस, तो मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा सादा आपका फंक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल का जो जो फंक्शन है मैंने तो आपको बता दिया हूँ। इसके बाद इस गाड़ियों में आपका जो है ये आपका कार्बोरेटर से आपका होता है, यहाँ पर आपका ऑयल को जो है वो खुद से आप मैपिंग कर सकते हैं कि आपका ऑयल कितने हिसाब से क्या कुछ ज़रूरी होगा। इंजन में जो है अपने हिसाब से आप जो है ऑयल डलवा सकते हैं ग्रेड के हिसाब से, और इस सबसे आपका जो माइलेज है, माइलेज आपका एफिशिएंसी प्रॉपरली मिलेगा। आपका जो जो बाकी बैटरी वाला गाड़ी है मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपका आप ले सकते हैं, पर अगर वेट कैरी के हिसाब से अगर मान लेते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सेकंड हैंड जो ये गाड़ी है ये आप खरीद सकते हैं। क्योंकि इसका जैसे मैंने आपको पहले ही पता होगा कि इसका जो नया वर्जन है और नया जनरेशन है वेट कैरी के मामले में सब ठीक है, पर 130 केजी तक आपका उसमें वेट कैरी है। बहुत ज़्यादा अगर वेट आप कैरी करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला गाड़ी आप सेकंड हैंड के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये वाला बात है, ऐसा नहीं कि आपका जो BS6 अगर आप मार्केट में अवेलेबल है या नया गाड़ी आपका लेने का क्षमता है तो वो वाला आप ले सकते हैं, पर अगर आप मान लीजिए आप सेकंड हैंड आपको कहीं से वाला गाड़ी मिल जा रहा है, तो मैं पहले ही रिकमेंड करूँगा कि इस टाइप का जो गाड़ी है ये वाला ले।
और एक आपका बात है, ए वाला गाड़ी अगर मैं आपको सेकंड हैंड के लिए इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं इसमें 10 साल चलाया हूँ और काफ़ी बार मैंने जैसे बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा आया कि इंजन में आपका पानी चला गया। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में मैंने देखा कि इंजन में पानी आने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता, पर मैं इस गाड़ी से वाला मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि ये जो इंजन से है मुझे आपका इतना आपका अच्छा खासा इसमें जो पावर है जनरेशन देखने को मिला और गाड़ी एक बार भी बंद नहीं पड़ा। बशर्ते एक आपको चीज़ करना होगा, अगर इंजन में थोड़ा बहुत भी पानी चला जाता है तो गाड़ी को आपको स्टार्ट रहने ही देना होगा, तो आपको गाड़ी प्रॉपरली होगा। आपका मान लीजिए बंद कर देते हैं तो आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद और एक जो जगह है जहाँ पर मेरा जो साइलेंसर पाइप है, साइलेंसर पाइप के अंदर पानी चला गया था और पानी चले गया उसमें से जो धुआं है वो धुआं आपका अलग कलर का दिख रहा था। उसके बाद मेरा और भी सारा इस गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि आपका जो वायर है, वायर में आपका कभी कभार इसमें कट जाता है और मैं ये क्या कहता हूँ कि इस कम पैसे में ये आपका वायर लगाकर ये गाड़ी को मैं फिर से रनिंग करा सकता हूँ। इसके बाद जो मेरा साइलेंसर पाइप है, साइलेंसर पाइप में अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं तो सीधा मैकेनिक के पास ले जाता हूँ या थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर सुखा कर इस गाड़ी को मैं फिर से रनिंग करा सकता हूँ। तो मेरा जो नॉमिनल आपका पैसा है इसमें मेरा गाड़ी चल जाता है आराम से, इसका कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद है ये वाला आपका जो गाड़ी का पार्ट्स है, पार्ट्स मुझे मैं ये गाड़ी का 10 साल में तकरीबन 5 से 6 बार इसका पार्ट्स मैं चेंज किया हूँ क्योंकि हमारा गाड़ी बहुत बार रनिंग हो चुका है दूध दूध तक। तो इस गाड़ी में मुझे जो है पार्ट्स आपका ज़्यादा तो आपका प्राइस नहीं होता है, तकरीबन आपका मान लीजिए एकदम आपका 20-25 रुपया से चालू करके, एक बोल्ट से आपका चालू करके 1000 या 1200 रुपये में आपका मैक्सिमम जो पार्ट्स है चेनी स्प्रॉकेट का किट फिट वगैरह ये सब आपको आराम से मिल जाएगा, या ऐसा कि आप क्लच भी चेंज करा सकते हैं, हाउसिंग वगैरह। और इसमें और एक जो खास बात है जो इसके पार्ट्स का जो प्राइस जैसे मैंने आपको बताया ये आपका किफ़ायती दाम में मिल जाता है, तो गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका कम होता है। सेकंड हैंड अगर ये आपका ख़रीदते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। टूल किट का आपका जो जगह है ये आपका काफ़ी बड़ा है बाकी गाड़ियों के हिसाब से, टूल किट में आप अच्छा खासा चीज़ रख सकते हैं। साइड में आपका जो जगह है इसमें लोड कैरी अगर ना करते हैं, पिलियन राइडर को बिठाते हैं तो इसमें आप साइड में चाहे तो आपका डिक्की वगैरह भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे गाड़ी में है इसमें भी आपका डिक्की वगैरह लगाकर गाड़ी में आराम से लोड कैरी करा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही सब आपका चीज़ है इस गाड़ियों में, तो मैं इसलिए आपका ये जो गाड़ी है सेकंड हैंड के हिसाब से मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। तो आज का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा मेरे नीचे दी गई जानकारियों का आप फ़ायदा लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और बाकी से जो जो चीज़ें हैं मुझे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा जानना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद और जय भारत।